हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल फाइल है ये, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल है। तो इसमें आपको मैं बताऊँगी कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो जो टॉपिक्स हैं आपने इस प्रैक्टिकल फाइल में बनाने हैं। तो ये लिस्ट है पूरी, जिसमें आपके जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उस पर आपने जो है प्रैक्टिकल फाइल जो है उसमें बनानी है। जैसे कि सेल, टिश्यू, स्केलेटन, हार्ट, ब्रेन, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लैरिंक्स, ट्रैकिया, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ईयर, आई, स्टमक, पैनक्रियास। तो ये सारे जो हैं सिस्टम जो हैं वो आपने इसमें एक प्रैक्टिकल फाइल में जो है वो सब बनाना है। और इसके अलावा आप और भी जो सिस्टम्स हैं या फिर जो टॉपिक हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, वो भी आप इसके अलावा और भी बना सकते हैं इसमें। तो अभी मैं आपको इसके अंदर के पेजेस दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है इसमें सेल का, तो इसमें आपने क्या क्या मेंशन करना है। तो ये इंडेक्स है, आपने इसी तरह से इंडेक्स बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने सीरियल नंबर लिखने हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स यानी कि जो आपके प्रोसीजर हैं वो आपने लिखने हैं, उसके बाद पेजेस कि जहाँ से आपको टॉपिक स्टार्ट हो रहा है से लेकर के जहाँ पर टॉपिक आपका एंड हो रहा है, वो पेजेस सारे इसमें आपने मेंशन करने हैं। और आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं कि किस डेट को आपने जो है ये बनाया है, सबमिशन कब किया है, और लास्ट में जो बनाना है आपने रिमार्क्स यानी कि टीचर के सिग्नेचर। तो यहाँ पर जैसे कि ये मेरी पूरी फाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर टीचर के सिग्नेचर्स भी हैं इस पर। तो इसके अलावा आपने एक और कॉलम भी बनाना है इसमें। तो आप प्लेन पेपर लेकर के उसके ऊपर इंडेक्स बनाइए और एक कॉलम और ऐड करना है जिस पर आपके प्रिंसिपल के सिग्नेचर और आपके जो आपका जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उसमें आपके जो एग्जामिनर होते हैं जो आपके प्रैक्टिकल लेते हैं उनके सिग्नेचर भी इस पर होते हैं। तो वो वाला कॉलम भी आपने ज़रूर बनाना है। तो चलिए अब देखते हैं हम इसका फर्स्ट टॉपिक जो है सेल का। तो यहाँ पर देखिए ये टॉपिक वन सेल, तो पेज नंबर वन से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें मैंने इसमें डेफिनेशन बताई है सेल क्या होता है, कौन कौन सी ऑर्गेनलीज होती हैं, और सभी ऑर्गेनलीज को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। और उसके साथ में मैंने ये डायग्राम भी बनाया है इसके साथ। तो इस तरह से आप डायग्राम भी बना सकते हैं, डायग्राम सिंपल भी बना सकते हैं या फिर आप इस तरह से कलर भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी ड्रॉइंग अच्छी है तो आप इसे कलर करके अच्छे से बना सकते हैं। तो इसमें अगर हम नेक्स्ट पेज इसमें देखते हैं तो यहाँ पर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, तो सभी डायग्राम के साथ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है सभी चीज़ें। न्यूक्लियस को भी एक्सप्लेन किया है, डायग्राम भी बनाया है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया विद डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन, राइबोसोम्स। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर लाइसोसोम, तो सभी को आपने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। जो मेन पॉइंट्स होते हैं टॉपिक के वो आपने इसमें मेंशन करने हैं, जस्ट आपको उसकी डेफिनेशन बतानी है कि क्या होता है। तो ये जैसे कि यह है साइटोस्केलेटन, इसके बाद आ गया इसमें सेल साइकिल। तो इसी तरह से सारे टॉपिक्स आपने बनाने हैं इसमें, ठीक है। ये फेजेस आ जाएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो सभी को इसी तरह से एक्सप्लेन करना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है, सभी चीज़ के बारे में आपने बताना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है आपने इसमें। उसके बाद टिश्यू आ जाते हैं इसमें, ठीक है। टिश्यू भी मैंने एक पेज पे जैसे टाइप्स बता दिए, सभी टिश्यूज़ के बारे में बता दिया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सभी टिश्यूज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, एपिथीलियल, तो सभी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। तो इसी तरह से सारे टॉपिक जो है आपने बनाने हैं। तो एक बार मैं सभी चीज़ें आपको दिखा देती हूँ, एक बार आप देख लीजिए। और इसी तरह से सारे टॉपिक जो हैं वो जो आप टॉपिक ले रहे हैं आपकी बुक में, जो आप बुक प्रेफर कर रहे हैं, जो बुक आप पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उसी बुक से आप बना सकते हैं। डायग्राम भी बुक में दिए होते हैं, तो आप बुक से डायग्राम बनाइए और उसमें से जो टॉपिक है थोड़ा सा उसमें यही प्रैक्टिकल फाइल में इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो जो ये मेरी फाइल है ये मैंने बुक से ही बनाई है, तो आप इसको बुक से बना सकते हैं। तो ये है स्केलेटल स्कल का डायग्राम है, ये है वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज, अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसके बाद हार्ट का डायग्राम आ जाएगा यहाँ पर,
तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हार्ट का बनाया मैंने, हार्ट का इसमें थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है, पोजीशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और इसकी वॉल्स बताई हैं कितनी वॉल होती हैं। उसके बाद ब्रेन आ जाएगा, ब्रेन का डायग्राम बनाया है और ब्रेन का स्ट्रक्चर, इसके टाइप्स बता दिए और थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दिया, फंक्शन बता दिया ब्रेन के, फंक्शंस क्या हैं इसमें। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, लिम्फ नोड, स्प्लिन, तो आप इसमें फंक्शन भी मेंशन कर सकते हैं, यूरिनरी सिस्टम। तो ज़्यादा डिटेल में आपने मेंशन नहीं करना है कुछ भी, और जस्ट आपको इसको डिफाइन ही करना है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम में ये न्यूरॉन्स का डायग्राम आ जाएगा और न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा बताना है आपने इसमें। उसके बाद नेजल कैविटी आ जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेजल कैविटी, ठीक है, इसमें। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन बता दिए हमने, एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा लैरिंक्स, इसके फंक्शन बताए हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया है, फंक्शन क्या है। उसके बाद ट्रैकिया आ जाएगा, ठीक है, ट्रैकिया का डायग्राम। तो आपने बेसिकली प्रैक्टिकल फाइल में जो है डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हर एक जो भी चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका डायग्राम ज़रूर बनाना है आपने, चाहे उसका थोड़ा ही एक्सप्लेन कीजिए लेकिन डायग्राम के साथ। जैसे कि हमने ट्रैकिया बनाया था, एक्सप्लेन भी किया है, और पहले डायग्राम बनाया उसके बाद हमने उसको एक्सप्लेन किया, जैसे इसमें लंग्स है, लंग्स का भी डायग्राम बनाया और उसको एक्सप्लेन किया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का देखिए, डाइजेस्टिव कंप्लीट जो है वो डायग्राम बनाया है और उसको सभी जो ऑर्गन्स है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम, और यहाँ पर स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे सभी ग्लैंड्स आ जाएंगे, कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं इसमें। इसी तरह से सारे जो हैं डायग्राम आपने बनाने हैं। इसके बाद लास्ट में जाते हैं इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम, ईयर का डायग्राम आ जाएगा, ठीक है, एक्सप्लेन भी करना है आपने, आईज का डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन। तो सभी जो हैं वो मैंने आपको दिखा दिए कि आपने क्या क्या इसमें बनाना है, कैसे कैसे बनाना है सभी चीज़ें। आप जो भी टॉपिक बना रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाना है, उसके फंक्शंस आपने बताने हैं सभी चीज़ें। तो ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो ये सभी टॉपिक मैंने आपको इसको दिखा दिए हैं आपको कि कैसे आपने बनाना है सारी चीज़ें, कैसे एक्सप्लेन करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।